हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं सुरकंडा देवी, जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। और हम लोग और मौसी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं और वहां जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा मंदिर है सुरकंडा धनौल्टी के पास। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। 7 बजे हम लोगों ने गाड़ी बुलाई हुई है, तो हम लोग उसमें जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती रहती हूँ क्या क्या होता है। तो लग रहा है कि हम पीछे बैठेंगे। नेहा बड़ी प्यारी सी लग रही है, हमेशा ही लगती है। और मौसी भी बड़ी प्यारी सी लग रही है। इनका ड्रेस कोड हमेशा सेम रहेगा। अंशी कैसी लग रही है? कौन? अंशी क्यूट लग रही है। बुरी गाड़ी। हाँ भाई, हाँ आ गए भाई, आ गए। हाँ तैयार है, आ रही है, आ रही है। बस बारिश ना हो। बादल 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 बादल। बाय नानी। अरे नानी को क्या हुआ? नानी भाग गई। नानी इसलिए भागी, इसलिए भागी। नानी आप ऐसे भी अच्छे लगते हो सच में। आगे बैठ। और ये है मम्मा। आ जाओ आ जाओ। ये रही गाड़ी, ये भैया जिसमें हम जा रहे हैं, और ये भैया है जो हमें ले जा रहे हैं। पंजाब का नंबर है भैया। आपकी पंजाब की गाड़ी है? अरे और ये तू कहाँ आ रहा है? सुरकंडा देवी मंदिर धनौल्टी से 8 और चंबा से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। धनौल्टी या चंबा पहुंचने के बाद आप स्थानीय वाहनों की मदद से सुरकंडा देवी मंदिर जा सकते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मानसून को छोड़कर पूरा साल सबसे अच्छा होता है। मानसून में भारी वर्षा होने के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहता है, इसलिए जुलाई अगस्त के भारी मानसून के महीनों में यहाँ जाने से बचना चाहिए। हम लोग देहरादून से धनौल्टी और धनौल्टी से सुरकंडा देवी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। नेचर लवर लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिप रहने वाला है। सुरकंडा देवी के आसपास घूमने की काफ़ी अच्छी जगह हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे इको पार्क, एप्पल ऑर्चर्ड रिजॉर्ट, धनौल्टी एडवेंचर पार्क, सिविर धंगधर, देवगढ़ फोर्ट, टिहरी बांध। ये सभी वहाँ पर आसपास के एरिया में आप कवर कर सकते हैं।
सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यहाँ आप बिना किसी शुल्क के भुगतान के सुरकंडा देवी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जिसे आप बहुत ही अच्छे से पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दिखने वाले दृश्य अपने आप में मनमोहक हैं। या आप ट्रॉली की सहायता से भी अब मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध हो गई है जिसका किराया 210 रुपये पर पर्सन रहता है। और अभी यहाँ पर ऑफ सीज़न है तो टूरिस्ट लोग बहुत कम हैं धनौल्टी और मसूरी में, तो यहाँ पर इस टाइम पर किराया कम है। ये शायद फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आने वाले टाइम पर शायद ये किराया बढ़ सकता है या घट सकता है। तो अभी जब हम गए थे तो यहाँ पर किराया 210 रुपये था। 210 रुपये पर पर्सन ट्रॉली का किराया है और 10 मिनट में हम सुरकंडा देवी में पहुँच जाते हैं मंदिर पर।
हरे धुंध, प्रचुर मात्रा में हरियाली और रंगीन फूलों के बीच स्थित सुरकंठा देवी मंदिर एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र का एक शानदार 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है, जबकि उत्तर में हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ देखे जा सकते हैं और दूसरी तरफ ऋषिकेश और देहरादून घाटी को देखा जा सकता है। इनसे ले लेना पानी। हम लोग लाए हैं आलू पूरी अचार।